स्वागत है दोस्तों आज के एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर 1 लाख रुपए अगर आप बजाज फाइनेंस अगर आप लोन लेते हो तो आपको टोटल जब एंड ऑफ जो टाइम जब आपके लोन कंप्लीट मतलब क्लोज होते होते आप टोटल कितना इंटरेस्ट मतलब एक अमाउंट आप एक्स्ट्रा उन्हें दोगे। एक्स्ट्रा मीन्स लोन के ऊपर की बनी हुई जो राशि है जो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो बनी हुई है वो आपको कितना लगेगा लास्ट जब आपकी ईएमआई यानी कि आपकी लोन कंप्लीट होते होते। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। किसी भी तरह से अगर आप लोन के रिगार्डिंग इस वीडियो के रिगार्डिंग और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर पूछिएगा, कमेंट जरूर खींचेगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दे दूंगा। तो चैनल पर अगर हमारे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि इस चैनल के आने वाली वीडियो आप बिल्कुल ही मिस नहीं कर पाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पे अगर काफी लोग यहां पे कहते हैं कि बजाज से लोन लेना एक टफ है तो मैं कहता हूं कि कुछ भी टफ नहीं है। कुछ वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इजी आप लोन इंप्रूव आप जो है अप्रूवल ले सकते हो। मैंने खुद ही लोन अप्रूवल कराया है, वो मात्र 2 दिन में अकाउंट में पैसा आ जाता है। कुछ वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। अभी मान के चलो आपने 1 लाख रुपए आपने लोन लिया है बजाज फाइनेंस से और वो लोन जो है आप मिनिमम और मैक्सिमम आप मैक्सिमम की टाइमिंग है यहां पर 60 मंथ यानी कि 5 साल और मिनिमम आप अपने हिसाब से जब आप लोन अप्लाई करोगे और जब आप फुलफिल रहोगे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सिविल स्कोर के हिसाब से तो आपको एक कॉल आएगा। तो कॉल के यानी उसी टाइम आपको पूछा जाएगा कि जो लोन आप जो ले रहे हो आप मैक्सिमम टाइम जो इसका 5 साल है और मिनिमम टाइम कितना वो आप अपने हिसाब से मतलब एक्सेप्ट करते हो तो वो हिसाब से वो लोग आपको लोन प्रोवाइड करके अकाउंट में देंगे और बजाज फाइनेंस का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर वो शो करने लगता है। इसके लिए आई होप कि जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब दोस्तों यहां पे मैं बात करने वाला हूं मैक्सिमम टाइम को लेकर। हम मैक्सिमम टाइम कैलकुलेट करेंगे और हम इसका इंटरेस्ट रेट के बारे में बताएंगे। अगर कम टाइम में अगर आप पैसे को रिटर्न करते हो यानी कि मैं 5 साल के लिए अभी बताने जा रहा हूं, अगर आप 5 साल के नई जगह पे आप 3 साल 2 साल के लेते हो तो और भी इंटरेस्ट कम लगेगा। तो मान के चलो आप यहां पे 5 साल के लिए आप 1 लाख रुपए को आप डिवाइड कर रहे हो मतलब आप 5 साल में आप इस लोन को कंप्लीट करवाना चाह रहे हो तो आपको 1 महीने का जो ईएमआई रहेगा सिर्फ लोन की यानी 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट से पहले की मैं अमाउंट बता रहा हूं वो रहेगा 1667 रुपए यानी कि 1667 रुपीज, राइट। और जो यहां पे जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट लगेगा वो अमाउंट रहेगा आपका 5 साल का 1 लाख के ऊपर में वो रहेगा 41,857 रुपीज। समझ गए आप? अब ये 41,857 रुपीज में क्या क्या आएगा मैं आपको बता देता हूं। यहां पे 14% जो इंटरेस्ट रेट है, राइट, उसका 14,000 रुपए होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी है और यहां पे कुछ चीजें ये लोग का हिडन मतलब जो लोग कहते हैं जो ये आर्टिकल में या कहीं भी शो नहीं होता है तो वो सब मिला करके टोटल यहां पे वो आपको लगने ही लगने हैं, वो सब मिला करके 41,857 रुपीज आपको एक्स्ट्रा लगता है। अब वो अमाउंट यानी जो इंटरेस्ट वाली अमाउंट है और ये आपकी जो 1 लाख रुपए वाली जो अमाउंट है 1667 रुपए, ये दोनों मिला के आपके जो 1 मंथ में जो ईएमआई आएगा 2363 रुपए यानी कि 2363 रुपीज। समझ रहे हो? अब ये 2363 रुपीज आप जो है 60 मंथ तक आपको ये पेमेंट भरना होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि पहले मैं आपको बता दिया 1 लाख रुपए की 60 महीने के जो बेसिक अमाउंट है उसके ऊपर में ये जो आपको 41,857 रुपए जो लगेंगे वो पूरा मिला के 1 महीने में जो आपका ईएमआई आएगा वो आएगा 2363 रुपए, परफेक्ट। अब आप जो है टाइम टू टाइम अगर आप अपने पेमेंट को अगर देते जाते हैं मतलब इसका जो बिलिंग टाइमिंग होगा वो सब आपको बजाज का फाइनेंस जो एप्लीकेशन है उसके अंदर शो होगा। और किसी तरह से भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये बजाज के कस्टमर का नंबर है, टॉल फ्री है, आप अपना रजिस्टर नंबर पे कॉल कीजिएगा। रजिस्टर नंबर में अगर बैलेंस नहीं होगा तो मैं आपको यह भी बता देता हूं किसी भी नंबर से कॉल कर सकते हैं, बस आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करना होगा, ओटीपी आता है अगर दूसरे नंबर से करोगे और आप तभी जाके अप्रूवल कस्टमर केयर से आप उस कार्ड की रिकॉर्डिंग आप बात कर पाओगे। आई होप कि इतना चीज मैंने जो बताया अभी इस लोन के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब रही बात जो लोग कहते हैं कि बजाज फाइनेंस से लोन नहीं लेना, पूरे दुनिया में हर जगह से लोन लेना लेकिन बजाज फाइनेंस से मत लेना।
अब मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। अगर आपके क्रिटिकल टाइम में, अगर आपका बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, बहुत सिचुएशन आपका घर का खराब है, या आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, और उस प्रॉब्लम में अगर बजाज फाइनेंस अगर दो वर्किंग डेज में अगर आपका अकाउंट में विड्रॉ पेमेंट क्रेडिट करता है और वो काम आपका हो जाता है, तो मैं यहां पर कहता हूं कि गलत क्या है। यहाँ पे बजाज एक प्रोफेशनल, एक स्टैंडर्ड कंपनी है, एक बिगेस्ट कंपनी है जो आपके सिबिल स्कोर को कभी खराब नहीं होते देता। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैंने बजाज फाइनेंस के जो मैंने ये लोन मेरे ऊपर जो चल रहा है, किसी तरह से कोई भी सिबिल स्कोर में प्रॉब्लम नहीं है, मैं टाइम टू टाइम भरता हूं। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसे भी है कि आप पेमेंट पूरा फुलफिल कर दोगे, फिर भी भैया मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पे सिविल स्कोर में प्रॉब्लम करेगी। बजाज के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, पूरी आपकी लोन कंप्लीट होने के बावजूद भी फिर भी ड्यू पेंडिंग बताएगा, और ना तो कस्टमर केयर से बात होगी, किसी से भी कुछ भी हेल्प नहीं मिलेगा, कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ तो बजाज फाइनेंस की हर एक सिटी के अंदर में आपको इसकी ब्रांच मिलेगी, जिसके ब्रांच में जाकर के आप अपने फेस टू फेस आप जो है किसी भी मैनेजर से आप डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो आई होप कि मैं जो भी कुछ इस वीडियो के अंदर में बताया है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कीजिए, 110% मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं ऐसी एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत टाइम लगता है रिसर्च करने में ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए, और फिर आगे मैं क्या बोलूं, तो आप लोग के लिए सब कुछ है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जिनको भी लोन लेना है, तो इस चीज को, ये फंडामेंटल जो कैलकुलेटर का है, ये समझ में आने चाहिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपके मन में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा कि हिडन चार्जेस क्या है। यहां पे आप सब कुछ क्लियर हो गया है कि क्या लोन लेना होगा, क्या इंटरेस्ट लगेगा, और कैसे हमारे मतलब पेमेंट को हमें देना है। तो आई होप कि कुछ भी डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसी एक और सुधार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।